हेलो दोस्तों, पेरीमीटर का वर्कशीट 3 बता रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर में है फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकलना ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पहला है गिवेन लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दोस्तों आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोस्तों तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है PERIMETER, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ BREADTH, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हो जाएगा 2 लेंथ की जगह कितना 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ की जगह 8 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दोस्तों 20 इंटू 2 तो आंसर हम जाएगा हो गया 40 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितना बनाए थे, ए नंबर बनाए थे 1 का, अब बी बता रहा हूँ। उसके बाद है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ दोस्तों इसमें 3 सवाल है। तो पहला वाला यहाँ साइड इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं मोर लेता हूँ, छट जाए, साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम पेरीमीटर निकालना है दोस्तों। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है इंटू 4 इंटू साइड, है ना, ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो 4 और साइड बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 फोर जा 24 सेंटीमीटर। ये ए बनाए 1 बनाए दोस्तों। यहाँ इसका रोमन 2 बनाता हूँ, इसमें दिया हुआ है साइड इक्वल टू 11, दोस्तों इसमें मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पी ऑफ स्क्वायर लिख देता हूँ इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, इसलिए इक्वल टू 4, साइड है 11 मीटर, इसलिए 11 फोर जा 44 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है बी का 3 बता रहा हूँ। साइड इसमें दिया हुआ दोस्तों कितना 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, इसलिए 4 और साइड दिया हुआ दोस्तों 26 सेंटीमीटर, इसलिए 26 इंटू 4, 6 फोर जा 24 का 4 कैरी 2, 4 टू जा 8 1 10 10 4 9 1 10, तो 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब सी नंबर यही बता देता हूँ दोस्तों, आप नीचे नीचे लिखिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो छट जाएगा, कट रहा था इसलिए। द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 cm 8 cm 10 cm, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों फर्स्ट साइड दिया हुआ है FIRST, फर्स्ट दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसलिए लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है, 6 सेंटीमीटर। सेकंड साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ क्या कहते हैं हम लोग, फाइंड द पेरीमीटर निकलना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड। तो पहला साइड है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरा साइड है 8 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 10 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। उसके बाद डी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों। अ बॉय रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड द लेंथ ऑफ विच इज 35 मीटर एंड द ब्रेथ इज 20 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन। दोस्तों रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब ऐसे है, कोई बच्चा ऐसे दौड़ रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो पहला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ खड़े लिख देता हूँ दोस्तों, नहीं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। 35 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ 20 मीटर। दोस्तों यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम नहीं तो नहीं रहेगा, तो यूनिट सेम कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पैरामीटर निकालना है ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों शुरू में ही बताया था इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ इक्वल टू 2 (length 35 m + breadth 20 m)। तो 2 × 5 + 0 = 5, 3 + 2 = 5। ये मीटर है, 5 × 2 = 10, 0 = 1, 5 × 2 = 10, 1 = 11। तो हो जाएगा 110 meter। उसके बाद है डी के बाद ई नंबर बता रहा हूँ दोस्तों। शीला वांट टू फिक्स रिबन अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ पेंटिंग। कोई पेंटिंग होता दोस्तों ऐसे, तो पेंटिंग के बॉर्डर ऐसे जैसे लगाते हैं हम लोग, पेंटिंग का बॉर्डर रहता है ऐसे चारों तरफ से बॉर्डर लगाना चाहती है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पेंटिंग तो 30 cm पहले लेंथ बोला था, ये वो लेंथ हो जाएगा 36 cm और ब्रेथ 15 cm रिस्पेक्टिवली। हाउ मच रिबन इज रिक्वायर्ड बाय शीतल, तो कितना रिबन का जरूरत, मतलब यहाँ चारों तरफ वो रिबन लगाना चाहती है। मैं ये समझाने के लिए बताता हूँ दोस्तों। तो हम लोग का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है ब्रेथ से, तो इसका रेक्टेंगल होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 × length (LEN)GTH + breadth। तो दोस्तों हो जाएगा 2 × length की जगह 36 cm + 15 cm, 5 + 6 = 11, 1 = 1, 3 = 4, 1 = 5 cm था, इंटू 2 तो 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, 102 cm आया। नेक्स्ट है एफ नंबर। राजू हैज टू फ्रेम अ स्क्वायर फोटो हैविंग वन साइड ऑफ लेंथ 12 cm। हाउ मच मटेरियल विल राजू रिक्वायर फॉर द जॉब। दोस्तों स्क्वायर होता है मतलब ऑल साइड आर इक्वल, तो साइड दिया हुआ कितना, साइड दिया हुआ हम लोग का 12 cm। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर फोटो है PERIMETER पेरीमीटर ऑफ SQUARE स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों 4 × साइड इक्वल टू हो जाएगा 4, साइड बराबर है 12 cm, तो 12 × 4 = 48 cm हो गया। उसके बाद जी नंबर में है। अ बॉय रन 2 times अराउंड अ फील्ड द लेंथ ऑफ विच इज, दोस्तों लेंथ दिया हुआ है 62 meter एंड ब्रेथ दिया हुआ है 40 cm, सॉरी 40 meter है दोस्तों, दोनों मीटर ही दोस्तों, अगर सेंटीमीटर मीटर रहता था फिर चेंज कर दे। फाइंड द डिस्टेंस ओवर हिम, दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोला है, एक क्या बोला है, अब बॉय जो है ना ये रन कर रहा है ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ एक चक्कर नहीं, कितने चक्कर बोला, 2 times, 2 चक्कर। तो हम लोग पेरीमीटर जो है ना 1 चक्कर निकलेगा, तो हम लोग जो पेरीमीटर निकला उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 times निकल जाएगा। तो पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि ब्रेथ से लेंथ ज़्यादा है। पेरी फील्ड भी, पेरीमीटर ऑफ फील्ड भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पेरी METER पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिख देता हूँ, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर आकार का है। इक्वल टू होता है 2 × length + breadth, तो 2 × length है 62 meter प्लस 40 meter, तो 2 + 0 = 2, 6 + 4 = 10, 0 = 1 और इधर है 2, तो 4 × 2 = 4, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, इतना मीटर निकला। लेकिन यहाँ बोला है क्या दोस्तों, है ना, अ बॉय रन 2 times अराउंड अ फील्ड, तो ये तो 1 times, तो यहाँ लिख देंगे अ
बॉय रन्स टू टाइम्स अराउंड अ फील्ड, इसीलिए हो जाएगा टू इंटू टू फोर इतना मीटर, फोर टू जा एट, जीरो टू जा जीरो, टू टू जा फोर, तो 408 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना। यहाँ लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस, इक्वल टू 408। नेक्स्ट दोस्तों एच नंबर, टीना रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, पहले यहाँ देखिए टीना वाला जैसे लेंथ है एल ई एन जी जी एल ई एन जी टी एच, लेंथ इक्वल टू दिया है 12 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ कितना 8 मीटर। तो यहाँ हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा दोस्तों 2 लेंथ की जगह 12 मीटर प्लस 8 मीटर, तो 2 इंटू 12 प्लस 8 20 मीटर, 22 जा तो 40 मीटर, ये पेरीमीटर आ गया कितना। तो टीना रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों टीना रन डिस्टेंस, उसके बाद बोला है मीना रन अराउंड स्क्वायर फील्ड हुज कोवर डिस्टेंस, तो टीना कोवर डिस्टेंस, ये टीना का निकाले हम लोग टीना सी ओ वी कवर डिस्टेंस इक्वल टू दोस्तों कितना 40 मीटर, ये हम लोग टीना का निकालेंगे। अब यहाँ दूसरा एक लड़की है मीना, अराउंड स्क्वायर फील्ड साइड दिया हुआ है, सेकेंड दो टो क्वेश्चन मिक्स किया दोस्तों मीटर, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 11 मीटर, 11 फोर जा 44 मीटर। दोस्तों इसका नाम कौन है मीना, तो यहाँ हो जाएगा मीना कवर डिस्टेंस कितना दोस्तों तो 44 मीटर। अब यहाँ आगे और क्या बोला है, हूँ कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, दोस्तों यहाँ देखिए टीना 40 मीटर किया और मीना 44 मीटर किया, तो हु कवर मोर डिस्टेंस, तो यह हो जाएगा मीना कवर दोस्तों, क्योंकि यह पास्ट है तो कवर्ड हो जाएगा, यहाँ भी ई डी लगाएंगे तो सी ओ वी ई आर ई डी कवर्ड मोर डिस्टेंस डिस्टेंस एंड हाउ मच बोला है, तो 44 मीटर माइनस 40 मीटर इक्वल टू कितना मीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 4 मीटर आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।